हाय दोस्तों, कैसे हो? होप आप सब ठीक ही होंगे। सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं हाईवे पे निकला हूँ। आपको लग रहा होगा इतना सीधा सीधा सुनसान और सीधी रास्ते कहाँ जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज सांवरिया जी के मंदिर का दर्शन करवाने वाला हूँ। एक छोटी सी जानकारी, मुझे पता है सांवरिया जी का जो मंदिर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सांवरिया जी के, इनका दूसरा नाम सांवलिया जी के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ष 1840 में भोला राम गुर्जर के नाम पे एक दूध वाले ने बागुंड गांव के छापर में 3 दिव्य मूर्तियों की भूमिगत दफन का एक सपना देखा था। उसने सपने में देखा कि 3 मूर्तियां जमीन के अंदर दफन हैं, और ये सपन देखने के बाद वो अगले ही दिन उस जगह का खुदाई का काम चालू किया। खुदाई किया गया, उसके बाद उसका सपना पूर्ण हुआ। भगवान कृष्ण की 3 सुंदर मूर्तियां मिली जैसे कि उसने सपने में देखा था। मूर्तियों में से एक को वो मंडपिया ले गया, ये गांव है मंडपिया, और एक भदसोड़ा, ये भी एक पास में वही गांव है 5 किलोमीटर, और तीसरा जो है बागुंड छापर गांव, बागुंड वही बागुंड के पास में है छापर, उस जगह ले जाया गया। ये तीनों मूर्तियां आपस में, तीनों 5 किलोमीटर के दायरे में, वहीं आपस में तीनों गांव में ले जाया गया, एक अलग अलग जगह, और तीनों की दूरी लगभग बराबर ही था, तीनों गांव की दूरी। और तीनों जगह एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हुआ। इन तीनों मंदिरों में मंडपिया मंदिर को सावलिया जी के धाम के नाम से जाना जाता है, जो चित्तौड़ जिले में आता है। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लोग ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ आते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है, हमेशा लोग आते जाते हैं। ये चित्तौड़ के रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर, जो चित्तौड़ में रेलवे स्टेशन का नाम है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, चित्तौड़ का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। और एयरपोर्ट की भी सुविधा है, डाबोक एयरपोर्ट के नाम से चित्तौड़ के पास में है, जो 65 किलोमीटर दूर है। अभी आप देख रहे होंगे सामने हम पहुँचने वाले हैं, लगभग यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर आगे सावलिया जी का गांव में प्रस्थान किए हैं। जस्ट हम गांव की ओर बढ़े, अग्रसर हैं। इस गांव में सबसे ज़्यादा लोहार पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ज़्यादातर लोग लोहार कारीगर करते हुए, हथियार बनाते हुए, लोहे के औजार बनाते हुए दिखेंगे। और सबसे खूबसूरत जगह कि यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, इतना मनमोहक जगह है। आप सब कभी ना कभी टाइम निकाल के जाइए और सांवरिया जी के दर्शन करिए। शायद मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ और उनके दर्शन के लिए। कई लंबे टाइम से सोच रहा था कि सांवरिया जी के दर्शन के लिए जाना है, लेकिन आज फाइनली मैं उनके द्वार पे पहुँच ही गया और ये मंदिर का प्रांगण हो गया। बेस कीमती बात बताना था, सांवरिया सेठ जी का मंदिर जो है, इसका सबसे बड़ा लोगों में एक मान्यता है कि यहाँ कोई जितना भी जो भी चढ़ावा चढ़ाएगा, ज़्यादातर यहाँ पे व्यापारी वर्ग इसीलिए आते हैं, जितना भी चढ़ाएगा उससे 2 से लेके 20% उसका, मतलब कहने का मतलब, अगर 2 रुपए चढ़ाएगा तो उसका 2 लाख हो जाएगा, ऐसा 2 रुपए चढ़ाएगा तो 20,000 हो जाएगा, मतलब कई फीसदी, कई गुना ज़्यादा उसको मिलता है। इसलिए व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ। ज़्यादातर लोग इसी उद्देश्य, इसी धारणा से आते हैं कि सांवरिया सेठ जी पे जाएंगे और चढ़ावा चढ़ाएंगे और हमारी मन्नतें जो है पूरी होगी। दोस्तों, अब हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो को, हो सकता है अंदर वीडियो लेना, फ़ोटो खींचना अलाउ ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। हो सकता है उस टाइम पे मैं बात ना कर पाऊँ, आप लोगों को जानकारी ना दे पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा, कैमरा चालू रहेगा, आप लोग बने रहिए और देखते रहिए भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए
मैं और मेरे साथ आप सभी कोई दर्शन करिए भगवान सवरिया सेठ। दोस्तों, आज मैंने आपको कृष्ण की नगरी कृष्ण धाम दिखाया सांवरिया सेठ। मेरे चैनल पे बने रहिए और इसी तरह से आप आनंद उठाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए।